स्वागत करती हूँ आपका स्वागत जिंदगी में। नकाबपोश बदमाशों ने व्यापारी को गोली मार की लाखों रुपए की लूट। ताबड़तोड़ फायरिंग में व्यापारी को लगी दो गोली और एक अन्य को भी लगी गोली। संजय कॉलोनी सेक्टर 23 स्थित राजेंद्र चौक के पास बीती रात बदमाशों ने अग्रवाल किराना स्टोर पर लूटपाट की। बदमाशों ने पहले लूटपाट की और लुटेरों का पीछे कर रहे व्यापारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस फायरिंग में व्यापारी को दो गोली लगी, जबकि वहां से गुजर रहे एक अन्य व्यक्ति को भी एक गोली लग गई। व्यापारी को फरीदाबाद के निजी हॉस्पिटल में आईसीयू में दाखिल कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। दिखाई दे रहा नजारा बल्लभगढ़ के सेक्टर 23 अग्रवाल किराना स्टोर का है, जहां रात करीबन 9:30 बजे दो बदमाश आए और हथियार के बल पर उन्होंने दुकान पर मौजूद मोहित अग्रवाल के साथ मारपीट कर दुकान के गल्ले से लाखों रुपए की लूट ली और वहां से भागने लगे। शोर सुनने पर मोहित अग्रवाल के पिता वेद प्रकाश अग्रवाल बदमाशों के पीछे भागे, जहां राजेंद्र चौक पर बदमाशों ने खुद को घिरता हुआ देखकर वेद प्रकाश अग्रवाल पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में वेद प्रकाश को दो गोली लगी, जबकि वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति को भी एक गोली लगी। इसके बाद बदमाश वहां से फरार हो गए। आनन फानन में परिवार के लोगों ने वेद प्रकाश अग्रवाल व गोलीकांड में घायल अन्य व्यक्ति को बीके हॉस्पिटल में दाखिल कराया। हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने दोनों को सेक्टर 21 स्थित एशियन हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। दरअसल कल रात करीबन 9:30 बजे वेद प्रकाश का बेटा मोहित दुकान बंद कर रहा था कि तभी दो बदमाश गन दिखाते हुए अंदर घुस गए। बदमाशों ने पहले मोहित के मुंह पर कट्टे से हमला किया और उसके बाद गले से पैसे, मोबाइल फोन और सोने की चैन लूट कर वहां से फरार हो। शोर मचाने पर जब मोहित के पिता वेद प्रकाश बदमाशों के पीछे भागे, तो राजेंद्र चौक पर उनकी बदमाशों में से आमने सामने भिड़ंत हो गई। आपको बता दें, और बदमाशों ने स्वयं को घिरा पाकर वेद प्रकाश पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग में वेद प्रकाश को दो गोली लगी और वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति को भी गोली लग गई। घायल वेद प्रकाश की माने तो बीती रात नकाबपोश दो बदमाश आए और उन्होंने उनकी दुकान से करीबन 3 लाख और बेटे की चैन लूट ली और मौके से फरार हो गए। वहीं दुकान बंद कर रहे वेद प्रकाश के बेटे मोहित अग्रवाल की माने तो दो नकाबपोश बदमाश उस समय आए आगे जब वह अपनी दुकान को बंद कर रहे थे। बदमाशों ने उनके मुंह के पास कट्टे का बंटवारा और गले से रुपयों से भरा थैला और उनके गले की चैन तथा मोबाइल फोन लूट कर ले गए। स्वागत जिंदगी के लिए आरती राय की रिपोर्ट। भाई 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 भैया, मंत्री ने कहा था तो कार्रवाई होगी। बस है कि आप सभी मास्क लगाने के लिए भाई भाई बड़े भाई, नहीं तो कोई कार्रवाई नहीं होती। पूरी सभी तरह की मोटा करती है, जिसका मन चाहे जिसका सामान फेंक दिया, जिसका मन चाहे जिसकी दुकान इतने अच्छे सही भाग में मर जाता है। जितना मुश्किल का रखा बहुत का तो घर के बाहर खड़े रहते हैं। इतना बुरा हाल है, क्या करें, क्या करते हैं, इतना मुश्किल करके। दो लोग थे, एक मिनट, नाम क्या आपका? मोहित कुमार। मोहित जी, क्या हुआ है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सेक्टर 23 संजय कॉलोनी राजेंद्र चौक काली टंकी के पास। हुआ क्या, क्या हुआ है? ऐसा हुआ था, दुकान के 3 शटर हैं, 2 शटर बंद कर दिए थे, तीसरे शटर से वो अंदर आए हैं दोनों, मैं और बबलू अंदर थे। बंद किसने किए थे? हम तो हमने शटर दुकान बंद कर रहे थे, जा रहे थे घर पे, जा रहे थे हम। अच्छा, दो शटर बंद कर दिए थे, तीसरा बंद करने की तैयारी में थे जी, जी। वो आए हैं, बबलू भी अंदर थे, सामान रख रहे थे, उन्होंने तीसरा शटर डाउन किया, दो जने लोग अंदर आए हैं। अच्छा, उन्होंने कट्टा निकाल के हमारे सीधे मुंह पे लगाया है कट्टा, और उसके बाद उन्होंने लूटपाट करी है दुकान में। अच्छा, दुकान में लूटपाट करने के बाद उन्होंने मुझे मारा भी, मेरे लगी भी हुई है। विरोध किया था आपने? अब देख सकते हैं, हाँ मैंने बोला था, तो उन्होंने कहा था नीचे हो जाओ, बोल मत, दिए गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा, उन्होंने मुझे उल्टा सीधा बोला है। मेरे पास सीसीटीवी फुटेज भी है। पहचानते हैं आप उनको? जानते हैं? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने मास्क लगाया हुआ था, ढका हुआ था उनका फेस, नकाबपोश थे। हाँ जी, उसके बाद उन्होंने लूटपाट करी है, मारने के बाद वो भागे वहां से। अच्छा, तो उन्होंने हम एकदम से हल्ला मचाया, ऊपर से पापा जी भी आए हैं, ऊपर मकान है, ऊपर से पापा जी उतर के आए और लोग भी इकट्ठा हो गए। फिर वो उतर के बीच रास्ते पर उन्होंने 4-5 गोलियां चलाई हैं, जिसमें 2 गोलियां पापा को लगी, एक और राह चलते व्यक्ति को लगी, राह चलते को। लूटे हैं दुकान में जितने थे सारे पैसे लूटे गए हैं, निकाली गई है, मेरे गले से चैन भी निकाली गई है, मेरा फोन भी लेके गए हैं वो। फायरिंग करते भाग गए? फायरिंग करके भाग गए। कितने पिताजी, कितनी गोली लगी है? पिताजी को 2 गोली लगी है, एक सीने पार में और एक हाथ पे लगी है। अच्छा अच्छा, पुलिस को सूचना दी थी आपने? पुलिस को 112 नंबर पर सूचना दे दी गई है, वो वहाँ पहुँच चुके हैं। थैंक यू थैंक यू। तो अभी तक की खबरों में बस इतना ही, बाकी के लिए बने रहिए स्वागत जिंदगी के साथ। नमस्कार।